यहाँ पे हम लोग गवर्नर को शुरू कर रहे हैं। देखिए पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पार्ट फोर लक्ष्मीकांत में स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर पहला चैप्टर गवर्नर। यहाँ पे गवर्नर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में, इसको देखेंगे, और गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस क्या होती है इसको देखेंगे। शुरुआत करें तो यह देखिए, सेंटर पे जिस तरीके का सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टेट के लेवल पे भी है। स्टेट के लेवल की बात की जाए तो पार्ट सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द गवर्नमेंट इन स्टेट। तो हमारे संविधान का पार्ट छः डील करता है गवर्नमेंट इन द स्टेट्स में, और कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल्स, आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167 डील करते हैं किसके साथ, स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ। सेंटर पे एग्जीक्यूटिव कौन कौन था, तो कई बार बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। स्टेट पे एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो यह है स्टेट का एग्जीक्यूटिव। एक बात क्लियर रखिएगा, स्टेट में वाइस गवर्नर नाम की कोई भी पोस्ट नहीं होती, जैसे सेंटर पे होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट में कोई वाइस गवर्नर नहीं है। ओके, सेंटर पे जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट, उनके अपॉइंट करने का तरीका, एक्चुअली में अपॉइंट नहीं होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। और वहीं पे अगर आप बात करो स्टेट पे, तो स्टेट पे जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट का तरीका, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप गवर्नर की बात करिए तो गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की तरह ही वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलोगे, आप टिटूलर हेड बोलोगे, नाम का हेड बोलोगे, तो जो भी नियम कानून स्टेट की सरकार, राज्य की सरकार लोगी, उसके ऊपर साइन करना ही काम है गवर्नर का। बट एक बात याद रखिएगा, जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर इलेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। भले ही हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट होते इलेक्ट ही हैं, गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट की तरह एग्जीक्यूटिव हेड है, टिटुलर हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और गवर्नर एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो दो काम कर रहे हैं गवर्नर यहाँ पे, स्टेट की मशीनरी के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर, उसके साथ साथ सेंटर के एजेंट है वो स्टेट में गवर्नर। सेंटर का एजेंट की क्या जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय संविधान के प्रावधानों के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए सेंटर का एक आदमी होना चाहिए स्टेट में, और वो कौन है, गवर्नर है। नॉर्मल कर केसेस में हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, लेकिन एक गवर्नर को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, या एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, इन अकॉर्डेंस विद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। आगे चलते बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल कॉलेज एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के केस में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड कॉलेज कौन सा था, तो भैया दोनों पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। तो भैया प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और भाई अगर आप बात करो हमारे लोकसभा के मेंबर्स, तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। गवर्नर ना डायरेक्टली इलेक्ट होता है, ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो आज आप IAS या IPS बन जाते हो, 20-30 साल की आप सर्विस करते हो, IAS IPS से रिटायर हो जाते हो एज एन, आप कह सकते हो कि बहुत ही डिग्निफाइड सिविल सर्वेंट, और आपकी रूलिंग पार्टी के साथ थोड़ी बहुत भी बनती है, तो हो सकता है कि किसी स्टेट का गवर्नर आपको बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल किरण बेदी जी पुदुचेरी की, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब गवर्नर इस तरीके से काफ़ी अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेजिडेंट साहब गवर्नर को अपॉइंट करते हैं बाई वॉरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर के अपॉइंटमेंट में पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चाहे उसे अपॉइंट करे, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है गवर्नर। लेकिन एक बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में 1979 में एक बात बिल्कुल क्लियर की कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से किसी को भी गवर्नर बना सकती है, लेकिन गवर्नर कोई नौकरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अगर आप IAS IPS बनते हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक नौकरी है, बट गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस जिसका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और इसीलिए कोई फॉर्मल कंट्रोल के अंदर काम नहीं करेगा गवर्नर। गवर्नर सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी वो करेगा। संविधान में कुछ नॉर्म्स लिखे हुए हैं और गवर्नर उसके हिसाब से चलेगा। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन दे और गवर्नर ना माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को बर्खास्त कर सकती है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट एक गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है आप न्यूट्रल तरीके से काम करेंगे। फिर बात की जाए कि ये जो गवर्नर का
नॉमिनेशन है इसका व्यू पॉइंट क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसा? देखिए जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा संविधान बनने के प्रोसेस में था, उस समय पे एक प्रपोजल उठाया गया कि भाई ये जो गवर्नर है ना, इस गवर्नर को आप इलेक्टेड रखो, ठीक है ना, नॉमिनेटेड मत रखो, कम से कम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी लोग जाएं इलेक्शन डालें और गवर्नर चुने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि नहीं भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सही है, इलेक्शन ऑफ गवर्नर सही नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारी वजहें दी गई। पहली वजह क्या है, स्टेट में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी कि विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, विधानसभा में लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके मेंबर्स को लेके आएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट होगी वो अपनी सरकार बनाएगी, उसका चीफ मिनिस्टर होगा और वो नियम कानून बनाएगा, राज चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इन स्टेट्स। अभी यहाँ पे एक ऐसा लीडर आप ले आते हो गवर्नर जैसा, जो डायरेक्टली स्टेट में से लोगों द्वारा वोट करके चुना गया है, तो दो सेंटर ऑफ पावर बन जाएंगे, एक चीफ मिनिस्टर और एक गवर्नर, और फिर उन दोनों के बीच में क्लैशेस बिल्कुल तय हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लक्ष्मीकांत के अंदर लिखा है, वो यही लिखा हुआ है। दूसरा भाई, चूंकि गवर्नर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड है, तो जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड है तो उसके लिए आप अलग से इलेक्शन करवाओ, ज्यादा पैसा खत्म करो, ये बनता नहीं। अब आप बोलोगे कि नॉमिनल हेड क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी किसी नियम कानून को शेप देना होता है ना, तो हमें एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए होती है जो उसको शेप देने के लिए नियम कानून वाले पत्तल पे, कागज पे साइन करे। अगर कोई एक्ट बनता है सेंटर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है सेंटर पे, तो वो तब तक नियम कानून नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करता। मतलब प्रेसिडेंट इज द साइनिंग अथॉरिटी, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही वो डॉक्यूमेंट लीगल होगा। उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर इज द फाइनल साइनिंग अथॉरिटी, और उसके साइन करने के बाद ही डॉक्यूमेंट लीगल होगा। समझ गए दोस्तों? इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई नियम कानून निकालती है, या स्टेट की गवर्नमेंट या स्टेट का एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय चीफ मिनिस्टर है, वो कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन निकालते हैं तो उसके ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर होना जरूरी है। बिना गवर्नर के सिग्नेचर की उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। लेकिन फिर भी उस नियम कानून को बनाने की और उस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन को बनाने की ताकत नहीं है गवर्नर के पास, गवर्नर बस उस पर साइन कर रहे हैं। बनाने की ताकत नियम कानून या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन वो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है जो कि विधानसभा होती है, बस गवर्नर को साइन करना है। तो सिर्फ जब गवर्नर को साइन ही करना है तो गवर्नर तो नॉमिनल हेड हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हुआ ना, तो उसके लिए अलग से इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। फिर चौथा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि भैया देखिए, ये जो गवर्नर है वो आप कह सकते हो कि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं कि लोग उसको डायरेक्टली चुने। अब इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं, यहाँ पर क्या बोला, इलेक्शन ऑफ अ गवर्नर वुड बी एंटायरली ऑन पर्सनल इशूज, हेंस इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट टू इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स इन सच एन इलेक्शन। बात यह है दोस्तों कि एक जगह पे आप एक सेंटर ऑफ पावर बना सकते हो, और यहाँ पे वो सेंटर ऑफ पावर स्टेट की कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसके पैरेलल आप दूसरा सेंटर ऑफ पावर नहीं बना सकते। उसके बाद पांचवें नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि मान लो आप गवर्नर की पोस्ट को इलेक्टेड कर देते हो और कोई बंदे के लिए वोट डाला, उसके बाद वो इलेक्ट गवर्नर बना, ऑब्वियसली बात है कि वो पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है बट ज्यादातर केस में वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। अब अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नर है तो कहीं ना कहीं वो एक न्यूट्रल पर्सन नहीं हो सकता, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक नॉमिनल हेड से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी अप्रोच में न्यूट्रल हो, इम्पार्शियल हो। उसके साथ साथ अगर आप गवर्नर को इलेक्ट करते हो तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आएगी, क्योंकि एक पर्सन को लगेगा कि पूरे स्टेट के लोगों ने मुझे चुन के गवर्नर बताया है तो मेरे पास बहुत ताकत है, तो मैं अपने हिसाब से अपने स्टेट में करूंगा, तो फिर वो अपने हिसाब से सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज लेके आ सकता है, अपने स्टेट की अलग भाषा, लैंग्वेज, झंडा, ये सब चीज़ें लेके आ सकता है, और कहीं ना कहीं एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आ जाएगी जो हमारे देश की संप्रभुता को तोड़ सकती है, स्टेबिलिटी और यूनिटी को तोड़ सकती है। उसका सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल्स द सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, देखिए प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया और गवर्नर आ गया स्टेट में, अभी ये गवर्नर स्टेट में क्या हो रहा है उसके बारे में सब कुछ सेंटर को बताएगा, तो सेंटर को पता चलता रहेगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से सब चीज़ें चल रही तो ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से डिविएट होती है अगर स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को चेक कर सकता है। हालांकि इस प्रोविजन का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है सेंटर ने, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर आठवां बताया क्या बता रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर क्रिएट्स अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप। बिल्कुल सही बात है,
जब स्टेट्स में जनरल इलेक्शन होंगे चीफ मिनिस्टर के चुनाव के लिए, उस समय पे अब मान लीजिए गवर्नर एक ऐसी पोस्ट है जहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्ले में आ जाएगी। गवर्नर बोलेगा मैं ताकतवर, सीएम बोलेगा मैं ताकतवर, और प्रॉपर कंफ्यूजन मच जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा है किसी स्टेट में, तो वो जो दबदबे वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपने ही पहचान के किसी पर्सन को गवर्नर बनाना चाहेगा। तो होगा ये कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक स्टेट में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो उसका चीफ मिनिस्टर अपने पहचान के या अपने पसंद के किसी पर्सन को गवर्नर बना देगा, और वो गवर्नर आप समझ लीजिए कि एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की तरह काम करेगा। उस केस में वो गवर्नर अपनी फंक्शनिंग में न्यूट्रल नहीं रहेगा और एक पॉलिटिकल पार्टी का राज सा हो जाएगा उस स्टेट में। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अमेरिकन मॉडल, अमेरिका जैसा जो स्टेट है जहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से स्टेट की पावर अपनी है, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, सेंटर की पावर स्टेट इंटरफेयर कर सकता। अमेरिका में जो स्टेट्स हैं वहाँ के गवर्नर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैनेडा में जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो प्रोविंस है स्टेट है वहाँ के गवर्नरों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि अमेरिकन मॉडल जहाँ पे गवर्नर इलेक्टेड है, कैनेडियन मॉडल जहाँ पे गवर्नर अपॉइंटेड है, हमने कैनेडियन मॉडल को चुना है। अगर आप बात करिए गवर्नर होने की क्वालिफिकेशन क्या है हमारे देश में, तो गवर्नर होने की केवल दो क्वालिफिकेशन है। एक तो वो पर्सन सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, दूसरा उस पर्सन की एज 35 साल कम से कम होनी चाहिए। ये गवर्नर होने की क्वालिफिकेशन है। और गवर्नर अपॉइंट होने के लिए दो कन्वेंशंस को नॉर्मली फॉलो किया जाता है। कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहला कन्वेंशन तो ये है कि जिस स्टेट में पर्सन को गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा हो वो उस स्टेट का ना हो, एक आउटसाइडर हो। तो अगर राम नायक यूपी के गवर्नर है तो ये अच्छा रहेगा कि राम नायक यूपी के ना हो। तो नायक साहब का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, आज के प्रेसिडेंट ने महाराष्ट्र में हुआ, तो चलिए आउटसाइडर है। तो इस तरीके से हर स्टेट में जो भी गवर्नर अपॉइंट हो रहा है बेटर ये रहेगा कि वो उस स्टेट का ना हो, आउटसाइडर हो, तो वो लोकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ा न्यूट्रल रह पाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, प्रेसिडेंट एक बार उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करे। तो अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन के बाद अगर एक स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो एक स्मूथ फंक्शनिंग होगी, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो क्लैशेस हैं वो कम होंगे। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि इन दोनों कन्वेंशंस को बहुत बार वायलेट किया गया है। और फाइनली अब हम बात करते हैं किसकी, कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस की। कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस क्या बोलती है कि अगर आपको एज अ पर्सन, पहली कंडीशन बता रहा हूं, अगर आपको एज अ गवर्नर अपॉइंट होना है तो ना ही आप किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं, यानी कि ना आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही आप राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, और ना ही आप किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए, यानी ना आप विधानसभा के मेंबर हो और ना आप विधान परिषद के मेंबर हो, जहाँ जहाँ पे भी विधान परिषद है, यानी ना आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो और ना ही आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उन स्टेट्स के नाम लिख के बताइए जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आगे भी आएगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट लेजिस्लेचर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर नियम कानून बना के बता सकती है कि हाँ भाई ये वाली चीज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगी, ये वाली चीज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट, जब कोई एक पर्सन गवर्नर है तो राजभवन में रह सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, तो वो उसका ऑफिशियल रेजिडेंस होगा, वहाँ पे बिना रेंट दिए वो पर्सन रह सकता है। उसके बाद गवर्नर को वो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। याद रखिएगा, गवर्नर के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है, वो अलग बात है कि वो आते कंसोलिडेटेड फंड फ्रॉम द स्टेट्स हैं। अगर एक ही पर्सन को एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया गया है तो जो भी उसका खर्चा होगा, जो भी उसकी इमोल्यूमेंट्स प्रिविलेजेस होंगी, वो दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो मान लीजिए एक गवर्नर आसाम का भी गवर्नर है, एक पर्सन आसाम का भी गवर्नर है, नागालैंड का भी गवर्नर है, तो आसाम और नागालैंड की जो सरकार है दोनों बराबर से खर्चा बांटेंगी गवर्नर के ऑफिस का। और एक बार किसी पर्सन को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया तो उसके जो भी एमोल्यूमेंट्स हैं, जो भी अलाउंसेज है, उसको उसके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान कम नहीं किया जाएगा। 2018 में गवर्नर की सैलरी को पार्लियामेंट ने बढ़ा दिया, तो पहले गवर्नर की सैलरी थी 1.10 लाख प्रति महीना, बाद में वो हो गई 3.5 लाख रुपये प्रति महीना। तो अच्छी खासी है गवर्नर की सैलरी, हालांकि 3.5 लाख रुपये गवर्नर की स्टेटस और स्टेचर के हिसाब से काफ़ी कम है।
जब भी गवर्नर कहीं से निकलता है स्टेट के अंदर से, एक काफिला सा निकलता है उसके साथ। फिर भाई प्रेसिडेंट साहब की तरह गवर्नर साहब को भी बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं, बहुत सारी इम्यूनिटीज दी गई हैं। पहली बात तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी डिसीजंस लेंगे दोस्तों गवर्नर साहब, उसके लिए वो लीगली लायबल नहीं होंगे। स्टेट कैबिनेट ने या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई नियम कानून बनाया और उसके ऊपर गवर्नर ने सिग्नेचर दिया, उस किसी भी चीज़ के लिए गवर्नर साहब लायबल नहीं है, ठीक है। अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए किसी भी प्रकार की लीगल लायबिलिटी नहीं है गवर्नर के ऊपर। उसके बाद जब तक एज एक पर्सन गवर्नर है तब तक उसको क्रिमिनली इनक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, अगर उसने पर्सनल एक्ट कैपेसिटी में भी कुछ किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए किसी गवर्नर के ऊपर इल्जाम लगता है कि इसने मर्डर कर दिया, और मान लीजिए ये चीज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई कि इसने मर्डर कर दिया, तो उस केस में गवर्नर के पास इम्यूनिटी है कि जब तक वो गवर्नर है तब तक उसको ना अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। हालांकि मान लीजिए गवर्नर के खिलाफ ये प्रूव हो जाता है कि उसने किसी का एक भीषण क्राइम किया, एक मर्डर किया है, तो उस केस में सरकार पहले तो उसको गवर्नर की पोस्ट से हटा देगी, और गवर्नर की पोस्ट से हटने के बाद ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नर बन गए तो आप किसी को भी मारते फिरोगे आपको कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जब तक आप गवर्नर की पोस्ट पर हो तब तक आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, बस सिंपल बात ही है। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है 2 महीने का नोटिस देने के बाद, तो गवर्नर के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस, बट उसके लिए पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। जब भी गवर्नर ऑफिस में घुसता है उसको एक ओथ लेनी पड़ती है दैट ही विल फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, हिज ऑगस्ट ऑफिस, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। फिर तीसरा, to devote himself to the service and well-being of the people of the state. ये सब भैया गवर्नर की ओथ के अंदर आता है, और गवर्नर को ओथ दिलाता कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। तो अगर त्रिपुरा के गवर्नर अपॉइंट हो रहे तो त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे, और अगर त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो हाई कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर गवर्नर के बजाय कोई दूसरा पर्सन टेम्परेली आके गवर्नर काम करता है उसको भी शपथ लेनी पड़ेगी। आगे टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।